दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक रिसर्च के आंकड़े के अनुसार 50% से ज्यादा भारतीयों का मानना है कि वे एक ही समय में दो या उससे अधिक लोगों से प्यार करते रहे हैं, यहाँ तक कि एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक रिश्ता भी बना चुके हैं या बना चुकी हैं। लेकिन एक सबसे चौंका देने वाली बात सामने यह आई है कि इस मामले में आज की लड़कियां और स्त्रियां लड़कों और पुरुषों से कहीं आगे हैं, लेकिन इसमें लड़के लड़कियों और स्त्री पुरुषों का परसेंटेज भी काफी अलग है। यहां तक कि लड़कियों और स्त्रियों का परसेंटेज तो चौंका देने वाला सामने आया है। चलो बताते हैं कि कितने परसेंट लड़कियां और स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने बॉयफ्रेंड या पति को धोखा देकर किसी दूसरे लड़के या पुरुष के साथ शारीरिक रिश्ता बना लेती हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ज्यादातर भारतीयों को अपने पार्टनर के किसी और के साथ शारीरिक रिश्तों की जानकारी हो जाती है, इसके बावजूद भी वे अपने पार्टनर को आसानी से माफ कर देते हैं, जिसके कारण ऐसे अनैतिक रिश्तों को और भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों 10% लोग तो ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे ही अपने पार्टनर को माफ कर देते हैं, और 5% लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ होते देखते रहते हैं फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते। वहीं 40% भारतीय ऐसे भी हैं जो हालात सामान्य होने पर अपने साथी को माफ कर देते हैं। इसी तरह 17% लोग चाहते हैं कि उनका साथी उन्हें माफ कर दे। दोस्तों एक रिसर्च में 25 से 50 वर्ष के 1772 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लोगों ने हिस्सा लिया। दोस्तों 1000 भारतीय विवाहित जोड़ों में से लगभग 15 जोड़ों का तलाक हो जाता है, जबकि सर्वे में 49% शादीशुदा भारतीयों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे अपने साथी के अलावा किसी और के साथ रिश्ते में रहकर शारीरिक रिश्ता बना चुके हैं या बना चुकी हैं। वहीं 60% शादीशुदा भारतीय जोड़े अपने साथी के साथ कम से कम एक बार धोखा जरूर करते हैं। वहीं 56% से ज्यादा लड़कियों और स्त्रियों ने ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ अपनी स्वेच्छा से भी रिश्ते बनाए हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।